हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, मैं हिमांश, क्लियर आईपीएस का एग्जाम एंड सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, मेंस के लिए जा रहे हैं और आगे जितने भी मेंस दोगे आप, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बजट का पार्ट टू करने जा रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे करने जा रहे हैं। तो एक सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, जीएफ और मेंस 2022, उसकी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। ये 7th क्लास है, ठीक है, तो आप जाके देखना सारी क्लासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7th या 8th क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और बहुत बार अगर पेपर टफ आया आपका, मान लो पेपर टफ आया, तो जो और बजट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बजट के पार्ट पूछ जाएंगे। ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है, बट आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसको रटना मत, दो चार बार रिवाइज करना और फिर डेली डेली 10-10 मिनट देखना पूरा बजट। पार्ट वन मैंने करवा दिया, उसका लिंक, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, वो जाके देख लेना। हेडक्वार्टर की वीडियो मैंने अपलोड की थी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि लाइक और कमेंट किया करो, बट आप लोग नहीं करते हो। मैं बोलता हूँ कि जितने आप लोग व्यू आ रहे हैं, उतने एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो करो, बट आप लोग नहीं कर रहे हो। अगर यही आप लोगों को ये पेड में मिलता, पेड सोर्स, तो आप लोग आराम से कमेंट भी करते हैं, आराम से लाइक भी करते हैं, बट फ्री में मिल रहा है तो आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपकी मर्जी, नहीं कर रहे हो तो। स्टार्ट करते हैं अपन क्लास, पार्ट वन अच्छे से देख लेना। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे बजट के, तो देखो मनरेगा के लिए कितना किया है, 73,000 करोड़ रुपए किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये पार्ट वन में भी देखा था अपन ने, बट यहाँ कुछ डाटा मिस रह गया था। वो है 199,101 करोड़, तो 1,99,101 करोड़ था। ये डाटा मिस था कि 68% मोर देन प्रीवियस ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन डायरेक्ट टैक्स, अब डायरेक्ट टैक्स पे बजट अलाउज टैक्स पेयर टू फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न विद इन 2 ईयर। तो डायरेक्ट टैक्स जो फिल कर रहा है, तो उसको अपडेटेड जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है ना, वो 2 साल का टाइम दे दिया कि 2 साल के अंदर अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल असेट या डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जिसको बोल रहे हैं क्रिप्टो, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 30% एंड एडिशनल 1% ऑन ट्रांजेक्शन। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट में सबसे नई चीज जो आई थी यही आई थी कि क्रिप्टो का लोग कर रहा है आरबीआई, तो अगर कोई ट्रांसफर करेगा तो उसको 30% टैक्स देना होगा, प्लस 1% एक्स्ट्रा उसको ट्रांजेक्शन पे देना होगा, क्लियर, याद रखना है इसको। एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 1 मोर ईयर ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप फॉर टैक्स इंसेंटिव टिल 31 मार्च 2023। तो ये जो लिमिट है ना, इसको 1 साल और बढ़ा दिए, पहले 31 मार्च 2022 थी। जो भी स्टार्टअप टैक्स इंसेंटिव के लिए इनकॉर्पोरेट होंगे, उनके लिए 1 साल की लिमिट बढ़ा दी है, क्लियर हो गया। तो याद रखना कि जो स्टार्टअप है ना टैक्स इंसेंटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो टाइमलाइन थी वो 31 मार्च 2023 कर, ठीक है। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेड बाय कोऑपरेटिव गोज डाउन फ्रॉम 18.5% टू 15%। तो देखो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है ना, जो भी कोऑपरेटिव फिल करते हैं, ठीक है, उनके लिए टैक्स कर दिया है 15%, टैक्स को कम कर दिया है। नेक्स्ट वन, सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 7%। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सरचार्ज। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे लगेगा ना, ओनली कोऑपरेटिव की बात करें तो ओनली कोऑपरेटिव यहाँ था, उसको तो 15% किया, ठीक है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो उसको किया 12% से 7% फॉर दोज हुज इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। समझ में आया? 4, 5, 6, 7। तो आप लोग इसमें तो ट्रिक नहीं होगी, मैं देख रहा था कि यहाँ से ट्रिक लग जाए। तो देखो सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव, ठीक है, वो कितना किया? 15% किया है। और अगर सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें तो वो किया 7%। अब कितने से कम किया ये भी याद रखना आप लोग, क्योंकि जब पेपर टफ आएगा ये चीज आएगी, तो क्या जाएगा आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर रिवीजन कर देना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस सर्च करना, टेलीग्राम में मिल जाएगा। टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 14% ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जैसे जब आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी बैंक के अंदर, सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपका एनपीएस अकाउंट होगा, ठीक है, तो हर महीने कुछ डिडक्ट होता है, वो एनपीएस अकाउंट है आपका। तो इन्होंने बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ना, उनका एनपीएस के ऊपर जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है ना,
उसको 10% से बढ़ा के कितनी कर दी है, 14% कर दी है। सरचार्ज ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये भी 15% है। तो यहाँ दो चीज सेम हो गई, देखो सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव 15%, सरचार्ज ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इस पे भी 15% है, और सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो है 12% से 7% कर दिया है। इफ एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड 20,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 देन सेक्शन 194 मीन्स 10% टैक्स डिडक्शन लगेगा, विल बी अप्लीकेबल। जैसे क्या है कि जैसे आप बैंक में एफडी रख रहे हो, ठीक है, एफडी रख रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट 20,000 से ज़्यादा है तो उस पर आपके टैक्स लगेगा, 10% TDS कटेगा। तो 194 सेक्शन के अंदर आ जाओ, सीधी सी बात ये बोलिए। कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स एंड जेम्स स्टोन डिक्रीज टू 5%। 5% जो टैक्स है ना 5% कर दिया है। कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगी, कट और पॉलिश डायमंड के ऊपर और जेम स्टोन के ऊपर। नो कस्टम टैक्स ऑन स्टोन डायमंड्स, स्टोन डायमंड्स पे कोई भी कस्टम टैक्स नहीं लगेगा। और नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट, अनब्लेंडेड फ्यूल शेल अट्रैक्ट एन एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी ऑफ ₹2 पर लीटर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। तो देखो 1 अक्टूबर 2022 आने वाला है, आपका पेपर भी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि जो अनब्लेंडेड फ्यूल है ना उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी है ना ₹2 पर लीटर बढ़ा रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2022 से। 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन ये वापस रिपीट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिपीट किया है मैंने। अनब्लेंडेड फ्यूल की जो डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी है ना वो ₹2 पर लीटर बढ़ाया गया है 1 अक्टूबर 2022। एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अंडर सेक्शन 115 BAB फ्रॉम 31 मार्च 2023 to 31 मार्च 2024। मैंने मतलब ये है कि जो नया मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कोई भी डाल रहा है कंपनी, जो सेक्शन 115 BAB के अंदर आता है, तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 31 मार्च 2023, उसको बढ़ा के 31 मार्च 2024 कर दी। अब सेक्शन 115 BAB पढ़ना है तो आप पेड कोर्स लो अच्छे से देखो। अपने लिए काम की चीज़ ये है कि 115 BAB सेक्शन के अंदर जो भी नया कमेंसमेंट कर रहा है उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 से बढ़ा के 31 मार्च 2024 कर दिए। ये चीज़ याद रखनी है आपको, लास्ट डेट बढ़ा दी बस, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी ऑन अम्ब्रेला इंक्रीज टू 20%, अम्ब्रेला पे जो कस्टम ड्यूटी लगेगी वो 20% लगेगी। सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर डिक्रीज फ्रॉम 28.5% टू 23%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, जो सरचार्ज अनलिस्टेड शेयर पे जो सरचार्ज लगेगा वो 28.5% से घटा के 23% कर दिया है। नेक्स्ट वन, टू बूस्ट टू स्टेट बजट प्रपोज्ड 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 1 लाख करोड़ टू इनेबल देम टू स्पेंड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कहना मतलब ये है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देगी 1 लाख करोड़ का। कितना देगा, 1 लाख करोड़ का, किसके लिए देगी, ताकि वो कुछ कैपिटल निकाले अपने अपने स्टेट में, कैपिटल इन्वेस्ट करें वहाँ से और अच्छा इनकम आए, ठीक है। फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन 1,71,006 करोड़ 177,006, ये भी फर्स्ट क्लास में देखा था शायद अपन ने। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट प्लान टू कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेज अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट टिल 2025 तक सभी इंडिया के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, नेट की सुविधा होगी 2025 तक। इसका आउटले लगा है 29,432 करोड़ 2025 तक 29,432 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स, एक सेकंड, इनकम टैक्स कलेक्शन कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 7,00,000 करोड़ 22 के लिए, ठीक है। 6,29,230 करोड़ डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर अदर कंट्रीज, जैसे आसपास की जो भी नेबर कंट्री है उनको इंडिया ने असिस्टेंट के लिए 6,29,230 करोड़ अलोकेट किया है। उसमें से मैक्सिमम असिस्टेंट भूटान को दे रहे हैं 2,266 करोड़, ठीक है। अफगानिस्तान को दे रहे हैं 200 करोड़ डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। फोर्ट छाबार प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ किया है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, एक सेकंड, ये गांधीनगर में बन रहा है। 5% ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर यार मैं भूल गया था हेडक्वार्टर वाली वीडियो में,
इसका हेडक्वार्टर कमेंट सेक्शन में बताना। विल बी एलोकेटेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विस इन रूरल फोर फॉर रिमोट एरियाज। तो जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से जो फंड आएगा ना, उसका 5% जो ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए है ना, वो रूरल की 4 रिमोट एरियाज में यूज किया जाएगा। ठीक है, एवीजीसी की फुल फॉर्म आ सकती है एविएशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉस्मिक। इंटरेस्ट पेमेंट कितना करेगा गवर्नमेंट, वो करेगा 9.41 लाख करोड़। ठीक है, तो ये बजट का पार्ट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। यहाँ देखो वापस मैं बताता हूँ जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो पूरा बजट इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ भी आ सकता है, बट फिर भी एक तो क्रिप्टो पे कितना टैक्स 30% और एडिशनल 1%। ठीक है, नेक्स्ट वन है ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ना जो सरचार्ज है ना वो रिड्यूस कर दिया 7%। वो ये पूछ सकते हैं कि उनकी लिमिट कितनी है इनकम की, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक आया था आईपीएस क्लब लास्ट ईयर बजट में भी ऐसा कुछ था। और एक है ये डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी 2 लीटर 2 रुपये पर लीटर इंक्रीज होगा 1 अक्टूबर 2022 से एडिशनल। और एक है अनलिस्टेड शेयर पे जो सरचार्ज है वो 23% कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में कर दूँ। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का है ना, प्रिपेयर किया है संजीव संगल ने, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है, एंड रिलीज किसने किया है अनंत नागेश्वर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, एक काम करना आप कमेंट सेक्शन में बताना कि फर्स्ट जो इकोनॉमिक सर्वे था एंड फर्स्ट बजट ये कब आया था, ईयर लिखना, क्योंकि क्या पता स्टैटिक पूछ ले एग्जामिनर, एग्जामिनर का भरोसा नहीं है बिल्कुल, वो वही पूछेगा जो अपन नहीं पढ़ के जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होता है टफ आता है एग्जाम जीए, बट जीतता वही है जो अच्छे से रिवाइज करके जाता है और ज़्यादा रोंग नहीं करता है, तुक्के नहीं मारता। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट और पहला पहला किसने दिया बाई होम, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे इकोनॉमिक सर्वे की, तो एगाइल अप्रोच जीडीपी बाय इकोनॉमिक सर्वे 9.2% होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा जीडीपी 21-22 के लिए, और 22-23 के लिए 8 से 8.5% होना चाहिए। जो ग्रोस वैल्यू एडेड हुई ना इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए वो इंक्रीज है +3.9%, टोटल कितना 18.8%। इंडस्ट्री के लिए बात करें तो 11.8%, सर्विस सेक्टर के लिए 8.2%। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 18.8% इंक्रीमेंट कितना हुआ है +3.9%। ठीक है, बोला नहीं जा रहा है, बैंक में इतना पहले ही बोल बोल के कस्टमर के साथ थक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया कौन से रैंक पे है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। तो देखो टॉप पे चाइना, सेकंड पे जापान, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, इंडिया है फोर्थ के ऊपर। और इंडिया का कितना है फॉरेक्स रिजर्व 633.6 बिलियन US डॉलर। एक्सटर्नल डेट कितना है इंडिया के ऊपर 593.1 बिलियन US डॉलर। इंडिया इज थर्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन वॉल्यूम ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो 3 FDI कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहला सिंगापुर, USA, मॉरिशियस। ठीक है, तो सम याद कर लो सिंगापुर USA मॉरिशियस। ठीक है, अब कितना कितना आ रहा है ये भी पूछ सकता है अगर पेपर टफ देना है उसको। तो सिंगापुर से 15.7 बिलियन US डॉलर, USA से 12.82 बिलियन डॉलर, मॉरिशियस से 3.747 बिलियन US डॉलर। जल्दी जल्दी करते हैं, बोला नहीं जा रहा है मुझसे। टॉप 3 FDI सेक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से सेक्टर्स है सबसे ज़्यादा FDI है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 7.1 बिलियन US डॉलर, ऑटोमोबाइल सर्विस सेक्टर। इंडिया रैंक थर्ड इन द इंक्रीजिंग इन इट्स फॉरेस्ट एरिया ड्यूरिंग 2010 से 2020 के बीच में, जो फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज हुआ ना वो उसमें इंडिया थर्ड नंबर। नेक्स्ट है टॉप इम्पोर्ट डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ से इम्पोर्ट करता है, चाइना से सबसे ज़्यादा, फिर UAE से, फिर USA से। एक्सपोर्ट कहाँ करता है सबसे ज़्यादा, USA, UAE, चाइना। ठीक है, तो इसी ऑर्डर का है, इसी ऑर्डर को उल्टा लिखना है और कुछ नहीं करना है। टॉप एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ क्या है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपन, मरीन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, फिर राइस, ये राइस में भी नॉन बासमती है।
थर्ड वन इज स्पाइसेस और स्पाइसी और फोर्थ शुगर। ठीक है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ 308.65 मिलियन टन, खरीफ प्रोडक्शन कितना हुआ टोटल 150.5 मिलियन टन। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया पल्स के अंदर कौन से नंबर है प्रोड्यूस करने में दाल में, तो इंडिया टॉप पे है। एमएसपी ऑन टोटल, एमएसपी टोटल 22 क्रॉप पे लगा है, उसमें से 14 खरीफ की है, 6 रबी की है, 2 कमर्शियल क्रॉप है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया 10th इन द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, टोटल में इंडिया 10वें पे है, रशिया ब्राजील कनाडा टॉप 3। एवरेज हेडलाइन सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन मॉडरेटेड टू 5.2% हो गया है इन 21-22 अप्रैल दिसंबर की बात करेंगे। इंडिया विल अचीव 280 गीगावाट सोलर एनर्जी बाय 2030। ठीक है, 280 गीगावाट, सॉरी गीगावाट 2030 के अंदर करना है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है इंडिया का 2030 का। एक टारगेट की वीडियो भी बनानी है मुझे, पीडीएफ मैंने बना रखी है, उस पर वीडियो बनानी है, बना दूंगा वो। अंडर जल जीवन मिशन 83 डिस्ट्रिक्ट बिकम हर जगह जल डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है वो कि कितने डिस्ट्रिक्ट है बाय इकोनॉमिक सर्वे। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर यूएस एंड चाइना। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन पर डे इंडिया में कितना पर डे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है, 36.5 किलोमीटर पर डे हुआ है, 30.4% इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर 28 किलोमीटर पर डे हुआ है, उससे 36.5 इंक्रीज हुआ है, टोटल इतना हुआ है, इंक्रीज इतना 30.4। टोटल रोड कंस्ट्रक्शन 13,327 किलोमीटर हुआ है और इंडिया रोड में है ना, रोड के नेटवर्क में इंडिया सेकंड नंबर में है वर्ल्ड में, और रेलवे नेटवर्क की बात करें तो इंडिया थर्ड नंबर पर है। नंबर ऑफ स्टार्टअप इन स्पेस टेक 101 है, और ये याद रखें टोटल इंडिया के यूनिकॉर्न कितना है ये आप लोग नेट पर देखना, अभी रिसेंट में कितने यूनिकॉर्न है, और रिसेंट वाला का नेम या जरूर याद रखना आप। गंगा रिवर बेसिन कॉन्ट्रीब्यूट्स 28% इंडिया वाटर रिसोर्स, तो वाटर इंडिया का जो रिसोर्स है उसमें 28% गंगा रिवर बेसिन कर रहा है। पीएमआई की फुल फॉर्म आ सकती है, बजट में टर्म थी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टारगेट टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर बाई 20-30% बाई 2024 एंड इम्प्लीमेंटेड इन 132 सिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना उसके अंडर जो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलेट मैटर है उनकी कितनी से कम कर रहे हैं, 20% से 30% कम कर रहे हैं, टारगेट है 2024 का, और कितनी सिटी में इम्प्लीमेंट किया है 132, और हर घर जल में 83 है टोटल सिटी। नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉरपोरेशन का ऑथोराइज कैपिटल है 5,000 करोड़, नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन 6,00,000 करोड़ और 22-25 नहीं बोला जाए, लास्ट स्लाइड है परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक नॉलेज, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना जो भी बजट में आ रहा है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, देखो PAR परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक नॉलेज। ठीक है, सागरमाला, एक बार इसकी फुल फॉर्म देख लेना, शायद यहाँ नॉलेज है नहीं, लास्ट में याद ही होना चाहिए। सागरमाला प्रोग्राम की बात करें, इसका एम क्या है, इट्स एम टू प्रमोट 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन टू 14,500 किलोमीटर नेवी केबल वाटरवेज, तो ये क्वेश्चन RBI ग्रेड बी के अंदर आया था कि 7,500 से बढ़ाए कितना कर रहे हैं, इसमें कितना कर रहे हैं, टारगेट क्या है 2035 के अंदर करना है, आउटले 5.54 लाख करोड़। लास्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया ओवरऑल स्कोर ऑन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड इम्प्रूव टू 66 इन 2021 फ्रॉम 16 2019-20। ठीक है, तो बताना क्लास कैसी लगी, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल सक्सेस क्लासेस में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और शायद 1 तारीख से मुझे अच्छा खासा टाइम मिलने लग जाए तो मैं टॉप जो 100 क्वेश्चन या टॉप 51 क्वेश्चन वाली सीरीज है ना उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा जुलाई के लिए, अगस्त के लिए, सितंबर के, तो देख के जाना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, लास्ट बार बोल रहा हूँ, और कमेंट कर देना, जितने लाइक करो आप लोग उतने कमेंट भी करना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।